वीरेंद्र जय, प्रयागराज में रहता हूँ और कविताएं लिखने का शौक है। एक काव्य संग्रह स्याही की लकीरें भी प्रकाशित हो चुका है। मैं आज कविता पे कुछ कविताएं अपनी लिखना चाहूंगा जन सरोकार मंच के माध्यम से। मेरी पहली कविता का शीर्षक है कविता ही तो है, हवा कम ही चलती है मनोनुकूल, धूप भी बना लेती है एक परछाई, उदासियां जाकर बैठ जाती हैं समंदर के पीछे, खुशियां सर्र से चढ़ जाती हैं भागकर सुदूर पहाड़ की चोटियों में, सपने बुनने की मशीन बिगड़ी पड़ी है किसी भूले हुए मैकेनिक के यहाँ, कर्म की चिंता में डूबा कोई आवाज रहा है पाठ, मैं स्वयं हूं इस छलावे में कि पकड़े हुए हूं वक्त की नब्ज, वक्त को फुर्सत कहां ठहर जाने की, अपनी सी लगती शाम भी चली जाती है चुपचाप अंधेरों के आगोश में, एक कविता ही तो है जो टटोलती रहती है मन मेरा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है कविता की चक्की। शब्दों की भूख के बीच भावों की प्यास भी अकुलाने लगती है, प्रयास की चक्री में रख कर चांद तारों सहित सारी सृष्टि के दाने छिड़कने लगता हूं मैं समुद्र कविता का आटा पीसने के लिए, दुखों से भरी सुख की हांडी को चढ़ाता हूँ हृदय रूपी भट्टी में, अपने सारे प्रयास के बावजूद बना पाता हूँ मैं जीवन रूपी अवृत्ताकार रोटी जिसमें स्वाद आ ही जाता है समाज के खारेपन का। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मुझे भी तो हक है। ऐ रूमी, तुम्हारी शिराओं का रक्त काट रहा है चक्कर मेरे हृदय के कोष्ठकों का, मेरा प्रिय एकांत व्याकुल हो रहा है, तुम्हारी कविताओं की तपिश से अभी मुक्त होना नहीं चाहता मैं, किंतु कोलंबस की खोजी दुनिया में मकड़ जाल फैला हुआ है, ड्रैगन की भी रफ्तार तेज हो गई है, किसी को दुनिया का ताज दिखाई पड़ रहा है लेकिन बरमूडा त्रिकोण से गुजरकर बाहर निकलने की आकांक्षा है मेरी, चांद का आकर्षण भी धुंधला रहा है, सारी सृष्टि नर्वस हुई जा रही है, प्रार्थना ही कर सकता हूँ ना सताओ मेरे हृदय को, मैं भी भूल जाऊंगा सब कुछ, रहना चाहता हूँ अपनी गिरफ्त में, मुझे भी तो हक है हृदयहीन होने का। मेरी अगली कविता का शीर्षक है जीवित रहूं। जिंदा हूं मैं और कविताएं लिखता हूं, इससे अधिक जरूरी है मैं जीवित रहूं किसी और की कविता में। मेरी अगली कविता का शीर्षक है कविता के पट। कभी छू लेती है अपनी गहराई से, कभी छू कर निकल जाती हैं मुझे कविताएं, छू कर निकल जाने वाली कविता उमड़ती रहती है मन मस्तिष्क में बहुत देर तक, जब लौटती है दोबारा बैठ जाती है गहरे तल में कहीं, जैसे चांद उतर आया हो धरती पर, शोर मचा रही हो पुरवाई, म्यान में नहीं हो तलवारें, ख्याल में हो कोई राजकुमार, चुपके से पट खोल ही देती है कविता। अगली कविता का शीर्षक है निर्भार। प्रकृति का सारा सौंदर्य देखकर भी नहीं हो पाया मेरा मन सुंदर, दुनिया भर की अच्छी किताबें पढ़कर भी नहीं हो पाया मैं अच्छा, उसका बेइंतहा प्यार पाकर भी मैं नहीं लुटा पाया प्यार इस दुनिया में, कैसे कहूं कि हो जाऊंगा मैं निर्भर
कोई कविता लिखकर। मेरी अगली कविता का शीर्षक है शांति दूत। कविताओं की भी एक धमक होती है, कौन समझाए अमेरिका को कि वह सुने कविता और समझ सके कविता के अंदर का दर्द। कवि ही कर सकता है यह, किंतु कवियों में होती है अकड़। मैं हूं सेना का एक सिपाही, शांति दूत बनकर आया हूँ संयुक्त राष्ट्र। गिराने हैं मुझे बम और ग्रेनेड किसी देश पर, आजादी मांगने वालों पर। उनके अंदर शांति है ना मेरे अंदर, परंतु हो रहा है सब कुछ शांति के लिए। कुछ अहम व कुछ भरम की रोटियां तोड़ी जा रही हैं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है शब्द। शब्दों में नशा होता है, डूबा हुआ हूं मैं इनमें। शब्दों में जादू होता है, खोया हूं मैं इनके तिलिश्म में। शब्दों में गंध होती है, ग्रहण की है मैंने। शब्दों की शाखाएं होती हैं, पकड़ रखी है मैंने उस वक्त के लिए जब नहीं होंगे मेरे पास शब्द। मेरी अगली कविता का शीर्षक है कविता लिखना। कविता लिखना आसान नहीं है झाड़ू लगाने की तरह। कविता लिखना कम दुष्कर नहीं चांद तारे तोड़ लाने से। कठिन साधना है कविता की जमीन खोजकर, साफ करके चांद तारों को उस पर सुरक्षित उतार लाना। चाहता हूं लिखूं मैं भी प्रतिदिन एक कविता, किसी की सरलता पर, ईमानदारी पर, त्याग पर, निस्वार्थ सेवा पर। लेकिन कहाँ मिलते हैं लोग आजकल सरल, ईमानदार या परोपकारी? शायद मैं नहीं देख पाता हूँ ऐसे लोगों को, या फिर मैं लिख नहीं सकता कविता। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बिजुका। बिजुका यूं ही नहीं बनाए जाते, उनको खड़ा करने के पीछे रहती हैं चिंताएं, नुकसान होने की फसलों की, विजातियों से। यूं ही तन कर नहीं खड़े होते बिजुका, होते हैं ये प्रतीक सजगता के, बनकर झूठ मूठ के ही प्रहरी। बचाते हैं फसलों को वह हमारे खेतों में, ठीक उसी तरह कवि भी लिखते हैं सच्चाई समाज की। तमाम विसंगतियों के बीच अपनी तरह से करते रहते हैं प्रयास बचाने का, आने वाली नस्लों को बहुत सी संकीर्णताओं से। सच कवि विजुका ही तो होते हैं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है जगह। कवि लिख रहा है कविता, पाठक कह रहा है उसे नहीं पढ़नी कविता। आलोचक कह रहा है क्यों लिख रहे हो कविता, कवि है कि मानता ही नहीं, बस लिखे जा रहा है कविता। लिखी जा रही है पुस्तकें, शायद लाइब्रेरी में ही बची हुई है कुछ जगह, मनुष्य के अंदर तो बिल्कुल नहीं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है समय तुम इतना। समय तुम इतना कैसे बदल सकते हो? बचपन में सब बच्चों के संग धमा चौकड़ी करते भाग जाते थे बहुत जल्दी। जब पढ़ने की बारी आई तो इठला इठला कर चलते तुम। जब परीक्षाएं चल रही होती तो हाँफ हाँफ कर चलते तुम। समय तुम इतना कैसे बदल जाते हो? यौवनावस्था में जब किसी की प्रतीक्षा होती तो बैठकर साथ तुम भी जैसे करते प्रतीक्षा, सरकने का नाम ही नहीं लेते। समय तुम कैसे हो? वृद्धावस्था में जब देह के सभी अंग दुखते रहते, तुम क्यों नहीं चलते तेज? क्या हाथ पांव कट गए हैं तुम्हारे भी? समय तुम कैसे बदल जाते हो इतना, बिल्कुल इंसानों की तरह। मेरी अगली कविता का शीर्षक है गौरैया।
गौरैया अब नहीं चहचहाती, डर है उसे कि कहीं सुन ना ले उसकी चहचहाट कोई ठेकेदार और फिर समाप्त कर दी जाए बिना कंक्रीट वाली एक और जगह। इस तरह सहेजती है गौरैया अपनी चुप्पी के साथ एक प्राकृतिक परिवेश, परंतु उसकी चुप्पी क्या बचाए रख पाएगी उसे लालची भेड़ियों से। लड़ रही है वह अपने अस्तित्व की लड़ाई, दिखाते हुए हमें आईना कि एक कटोरी पानी भी लगता है हमें महंगा शहरीकरण के इस दौर में। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मच्छर जी का लोहा। एक रात जब लेटा मैं स्लीप वेल बिस्तर पर, चिंतित हुआ कि आते होंगे मच्छर, लेकिन जब बहुत देर तक ना आए तब भी बढ़ने लगी मेरी चिंता। अचानक मेरी नजर गई दीवार पर, एक लोहे की कील पर बैठे थे साहब वहीं पर। मन ही मन मैं हुआ प्रसन्न कि अभी उनकी नजर नहीं पड़ी मुझ पर मेरी खुशफहमी दूर करने वह उड़े वहां से, पास तक आए, एक राउंड लगाया मेरा और फिर जा बैठे कील पर। मैं हैरान, उत्सुकता परेशान, मुझसे रहा ना गया। मैं उठा, उनके पास तक गया और पूछा, आप मच्छर जी ही हैं ना? जवाब मिला कोई शक। नजरों के बाद मुझे अपने कानों पर संदेह हुआ। मैंने फिर पूछा, आप हिंदुस्तानी ही हैं ना? बोले, मैं पूर्ण भारतीय हूँ। मैंने कुछ और पूछना चाहा, बिफर गए, लगे फटकारने, आपके ही लहू का रंग बदल रहा है, आप पर विदेशी रंग चढ़ रहा है, सभ्यता बदल रही है, आपकी संस्कृति बदल रही है, जितना लोहा मिलता था कभी आपके लहू से आज मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? जितना लोहा मिलता था कभी आपके लहू से आज मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? आपसे बेहतर तो ये लोहे की कील है, कितनी जुड़ी हुई है जमीन से, चाहे जितना ठोको पीटो कभी टस से मस नहीं होती, बिल्कुल अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृत की तरह। और एक आप हैं श्रीमन, कभी हमारे आने से परेशान हो जाते हैं तो कभी ना आने से। सोचता हूं यदि कोई कील ना होती तो मेरे जैसे देश प्रेमी का क्या होता। आगे बोले, काश कभी आप भी पकड़ कर देखें, मालूम हो जाएगा क्या शक्ति है, क्या चुंबकत्व है किसी कील में, पता चल जाएगा क्या आनंद है और क्या गौरव देश प्रेमी होने में। मैं भला और क्या कहता, मच्छर जी का लोहा मानते हुए पुनः सोने का प्रयत्न करने लगा। धन्यवाद। पेश है एक गजल, एक ऐसा असर है आंखों में, अश्क भी दर बदर है आंखों में, क्या कहूं उसके मैं तबस्सुम को, रोशनी बेअसर है आंखों में, जिंदगानी को आप क्या कहिए, उसकी भी रह गुजर है आंखों में, आंसुओं का गमों की सूरत में, मुद्दतों से सफर है आंखों में, जहन में मेरे एक बयाबा है, खूबसूरत नगर है आंखों में, दुश्मन भी फिसल न जाए कहीं, नमी कुछ इस कदर है आंखों में। धन्यवाद।